हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स यानी गतिकी 11th के जो टॉपिक हैं वो हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर ये आज हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके आए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और पसंद आ जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक है ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट अचीव मैक्सिमम हाइट h। तो फाइंड h व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो एक कण को, यहाँ मान लीजिए कोई पार्टिकल है और वो फिलहाल ग्राउंड पर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ से हम इसको थ्रोन कर रहे हैं और थ्रोन करके ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। ए पार्टिकल है और हाइट कितनी है दोस्तों, टोटल h है। कितनी हाइट है, h है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि जब हम मैक्सिमम हाइट तो ये अचीव कर लेता है, लेकिन फाइंड h, कौन सी हाइट h आपको मेजर करनी है, ये वाली। जब व्हेन द स्पीड इज एट हाफ ऑफ मैक्सिमम, जब जो स्पीड है यानी कि जो चाल है वो प्रारंभिक मैक्सिमम चाल की कितनी हो जाए, आधी हो जाए। तो यहाँ से हम दोस्तों कोई भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ये हम जानते हैं यहाँ से चाल क्या होगी, अधिकतम होती है, और इस अवस्था पर पहुँचने के बाद चाल क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ जो चाल है वो वी डैश कितनी है, वी अपॉन टू है। ये देखो समझा रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को आप बच्चों क्लियर कर सकते हो कि उसका वेग अधिकतम का कितना हो जाए, आधा हो जाए, वो वाली आपको अवस्था ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये हाइट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना। तो हाइट के लिए जो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है और पहला समीकरण है, उससे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें समय आता है। तो हम कौन सा समीकरण काम में लेते हैं, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। उसमें हम गति के तीसरे समीकरण से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा समीकरण ले रहे हैं दोस्तों, तीसरे वाला। तो तीसरे वाला आप जानते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तो वी वाला जो अंतिम वेग है वो तो दोस्तों कितना हो गया, ज़ीरो, और प्रारंभिक वेग जो है वो आपके यू स्क्वायर, ठीक है, और यू टू ए जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जी, और जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। कभी भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ए इक्वल्स टू आप माइनस जी, अंडरस्टूड है आई थिंक। और एस ऊपर की तरफ हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ हाइट है तो नेगेटिव हो जाती है। तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, या आई थिंक क्लियर है, डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, या फिर 2gh इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। 2gh इक्वल्स टू क्या आ गया, v स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू क्या क्लियर हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2g। h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपको क्लियर है। अब यहाँ क्या कह रहा है वो हम ले लेते हैं कि जब हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक थ्रोन किया, यानी ए अवस्था से, और यदि हम अवस्था चेंज करना चाहें तो मान लीजिए ये बी अवस्था है और ये सी अवस्था है। पार्टिकल दोस्तों वही एम पार्टिकल है, इसको यदि हम थ्रोन करते हैं तब क्या होगा। तो इस स्थिति में फिर से यही समीकरण यूज में ले रहे हैं, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। और ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन टू है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो पहले समीकरण से क्या आएगा दोस्तों, v है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना हो गया, v बाई टू, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, v बाई टू का होल स्क्वायर। और प्रारंभिक वेग दोस्तों कितना है, प्रारंभिक वेग है ये वाला, यानी v स्क्वायर, और माइनस क्यों, और टू, और ये क्या है दोस्तों, g, ठीक है, और h, h भी किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर हाइट लेते हैं तो वो प्लस, और ऊपर से नीचे की तरफ हाइट लेंगे तो माइनस, और a की वैल्यू ऑलवेज
क्या होती है, ए की वैल्यू ऑलवेज माइनस जी होती है। तो यहाँ से हम ये जो एच की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ गई दोस्तों, ये देखिए वी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगी ना, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या आ गया, और ये माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या इसको इधर ले आओ, वो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, तो इस 2gh को हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे चार, वी स्क्वायर बटे चार। हाँ, तो ये आपके आ जाएगा दोस्तों, चार इसका एलसीएम आ गया और वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया थ्री वी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल्स टू टू जी एच, टू जी एच। तो एच इक्वल्स टू क्या आ गया, एच आ जाएगा थ्री वी स्क्वायर अपॉन फोर इंटू क्या आ गया, टू जी इंटू टू जी। ठीक है, अब आप देख रहे हो इक्वेशन टू में वी स्क्वायर अपॉन टू जी को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एच, क्या लिख सकते हो, कैपिटल एच। तो स्मॉल एच इक्वल्स टू कितना हो गया, थ्री बाई फोर इंटू कैपिटल एच, यानी यहाँ ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, थ्री बाई फोर एच, थ्री बाई फोर एच। तो यही पूछा है, फाइंड द एच, तो एच की वैल्यू यदि वेलोसिटी की फॉर्म में लें तब तो ये हो जाएगी थ्री वी स्क्वायर अपॉन एट जी, और यदि हम हाइट की फॉर्म में लें तब ये हाइट हो जाएगी प्रारंभिक ऊंचाई की या अधिकतम ऊंचाई की तीन चौथाई हो जाती है। तो आई थिंक दोस्तों ये सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।